कि हर व्यक्ति ने एक अनुमान लगाया है, अरे डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध तो रोक देंगे वो, अगर युद्ध रुक गया तो थर्ड वर्ल्ड वार कैसे होगा, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, युद्ध रुक गया तो फिर हमारी भविष्यवाणी को क्या होगा, जहां हमने कहा था कि अरे आने वाला समय तो बहुत विनाशकारी है, ऐसा होगा वैसा होगा। अब यहां से असली खेल शुरू होता है पूरी दुनिया के लिए, जो इस परिवर्तन की मुहिम को शत प्रतिशत लागू करवा कर रहेगा। युद्ध शुरू हुआ कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा के कारण से, वो चाहते तो इस युद्ध को उस सीमा तक ले जा सकते थे जहां ये पूरे विश्व के लिए घातक हो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में हमारा ये सोचना कि युद्ध खत्म हो जाएगा या इसे टाल दिया जाएगा, ये हमारी सोच ठीक नहीं है, बल्कि इस युद्ध की बागडोर, इस समय की जो बागडोर है, वो अब उन लोगों के हाथ में जाने वाली है जो सृजनात्मक तरीके से कार्य करना चाहते। जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमेरिका के चुनाव परिणाम आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन बहुत से लोगों को अब क्या कहना है इस संदर्भ में कि अमेरिका के चुनाव परिणाम ऐसे होंगे वैसे होंगे, कमला हैरिस जीतेगी, डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे, बहुत से लोगों की भविष्यवाणी होगी, क्योंकि हर व्यक्ति ने एक अनुमान लगाया है, अरे डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो युद्ध तो होगा नहीं, युद्ध तो रोक देंगे वो, अगर युद्ध रुक गया तो थर्ड वर्ल्ड वार कैसे होगा, थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, युद्ध रुक गया तो फिर हमारी भविष्यवाणी को क्या होगा, जहां हमने कहा था कि अरे आने वाला समय तो बहुत विनाशकारी है, ऐसा होगा वैसा होगा। तो सनातनियों, इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, जो कुछ हो रहा है बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा इसको होना चाहिए। अगर आपको मेरा एक वीडियो याद हो तो मैंने कहा था कि इस समय इस संसार की डोर परमात्मा अपने हाथ में ले चुके हैं, और एक वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये भी कहा था कि जून 2024 के बाद इस ब्रह्मांड के अंदर जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, इसका पूर्व आकलन कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है और युगों में होने वाला परिवर्तन है, तो उसका अनुमान हम लगा ले इतना सामर्थ्य हम में कहां से आ सकता है। इसीलिए पहला दृष्टिकोण हमारा तय हुआ इस विश्व के लिए, जब 4 जून को भारत सरकार के रिजल्ट आए, यानी भारत के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए। उसके बाद में दूसरा एक ट्रिगर पॉइंट पूरी दुनिया के लिए था, वो अमेरिका के चुनाव, और इसका परिणाम भी हमारे सामने है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है पूरी दुनिया के लिए, जो इस परिवर्तन की मुहिम को शत प्रतिशत लागू करवा कर रहेगा। सनातनियों, में चाहता तो पहले भी वीडियो बनाकर दे सकता था कि अमेरिका के चुनाव के परिणाम क्या होंगे, लेकिन विधि के काम में हस्तक्षेप करना ये ठीक नहीं है। इसीलिए जिन चीजों को गुप्त रखा जाना चाहिए, समय से पहले जिनके बारे में रहस्य उद्घाटन नहीं होना चाहिए, उसकी पालना एक ऋषि को भी करनी चाहिए, एक ज्योतिषाचार्य को भी करनी चाहिए, और एक समझदार व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को भी करनी चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ये प्रेडिक्शन नहीं किया होगा कि अमेरिका के चुनाव परिणाम क्या रहेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि ये चुनाव परिणाम भविष्य की बहुत बड़ी तस्वीर पेश करने वाले हैं। सनातनियों, इस अमेरिका के चुनाव परिणाम का असली विश्लेषण मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसलिए ध्यान से एक बात समझिए। युद्ध शुरू हुआ कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा के कारण से, वो चाहते तो इस युद्ध को उस सीमा तक ले जा सकते थे जहां ये पूरे विश्व के लिए घातक हो, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने केवल और केवल इसको कंट्रोल तरीके से इस युद्ध को चलाए रखा, ताकि वो अपने हथियारों को और अपनी नीतियों को, इन दोनों तरीके से दुनिया के अंदर एक भय का माहौल
क्रिएट कर सके और सत्ता के अंदर काबिज रह सके और जिस नीतियों को लेकर के वो कार्य करना चाहते हैं उनमें उन्हें सफलता प्राप्त हो जाए। लेकिन जो ईश्वर चाहता है वही होता है, हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में अगर भविष्य मालिका के अंदर एक बात कही गई है कि चाइना अन्य मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के भारत पर आक्रमण करेगा, अगर इस बात को हम थोड़ी देर के लिए सत्य माने तो चाइना आखिर सबसे आखिर में भारत पर आक्रमण क्यों करेगा, वो पहले भी तो कर सकता है। ऐसे में एक बात को समझिए कि अमेरिका के अंदर सत्ता परिवर्तन का होना भारत को मजबूत स्थिति में लाने जैसा ही कदम है। ऐसे में अमेरिका और भारत अब दोनों अलग पालों में हो नहीं सकते, ये दोनों एक ही पाले में होंगे और एक पाले में हैं। ऐसे में जब तक अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा तब तक भारत के ऊपर कोई आक्रमण करने की गलती नहीं करेगा। ऐसे में अगर युद्ध हो भी रहा है तो जब तक अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भारत पर आंख उठाकर के भी नहीं देखेगा। और ऐसे में अगर अमेरिका का आने वाला समय युग परिवर्तन के लिए ठीक नहीं है या अमेरिका को बहुत बड़ी कीमत भविष्य में चुकानी है तो इसका मतलब है कि भारत की शक्तियों में इजाफा जरूर होगा। और आखिर के अंदर चाइना यदि भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है इसका मतलब है कि पूरे विश्व के अंदर केवल एक ऐसा देश बचेगा जो इस पूरे परिवर्तन के अंदर आखिर तक अछूता रहेगा। ऐसे में हमारा ये सोचना कि युद्ध खत्म हो जाएगा या इसे टाल दिया जाएगा ये हमारी सोच ठीक नहीं है, बल्कि इस युद्ध की बागडोर, इस समय की जो बागडोर है वो अब उन लोगों के हाथ में जाने वाली है जो सृजनात्मक तरीके से कार्य करना चाहते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि महाभारत के युद्ध के अंदर शंखनाद किसने किया था? अर्जुन ने किया था, कौरवों ने युद्ध का शंखनाद नहीं किया था। ऐसे में अगर वर्ल्ड वार होना है, WW3 होना है तो उसकी शुरुआत भी सत्य करेगा, असत्य नहीं कर सकता। ऐसे में जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया वो कभी भी सत्य के पक्षधर हो ही नहीं सकते। ऐसे में इस युद्ध की बागडोर अब पूरी तरह से बदल चुकी है और जो इस युद्ध के लिए दोषी हैं अब उन पर कार्रवाई होने का समय आएगा और यहीं से वो अपनी ताकतों का अब खुलकर प्रयोग इस संसार के लिए करेंगे और यहीं से एक अलग तरह की स्थिति पूरे विश्व के अंदर क्रिएट होगी। और इस सारी की सारी परिस्थितियां आपको मार्च 2025 तक बनती हुई नजर आ जाएगी। इसीलिए सनातनियों, ये जो कुछ भी घटनाक्रम इस समय पर हो रहा है ये ईश्वर का वो खेल है जिस खेल को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि युग परिवर्तन के समय में वो काम होंगे जो हमारी सोच से भी परे होंगे। इसीलिए ना तो युद्ध खत्म होने की संभावना बन रही है और ना ही युग परिवर्तन नहीं होगा ऐसा कोई माहौल बन रहा है। युग परिवर्तन भी होगा और युद्ध के हालात जो बनेंगे वो भी अपनी जगह पर बिगड़ेंगे, साथ ही कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी अपनी चरम सीमा को पकड़ेंगी, क्योंकि ये जो परिवर्तन है ये प्रकृति कर रही है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं। इसीलिए प्रकृति के बदलाव को ना तो कोई कभी रोक पाया है और ना आगे कभी रोक पाएगा। इसीलिए राम सेतु भी आज हमको समुद्र के नीचे मिलता है और द्वारिका भी आज पानी में डूबी हुई मिलती है, क्योंकि युग परिवर्तन के समय के अंदर ऐसी विनाशकारी लीलाएं अवश्य होती हैं जब ये प्रकृति अपना संतुलन कायम करती है। इसीलिए प्रकृति धर्म की रक्षा के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे फैसले भी इस संसार में जरूर करवाएगी जो कहीं ना कहीं इस विनाश की लीला के अंदर धर्म के पक्ष को मजबूत करेगा और अधर्मियों के हौसलों को पस्त करेगा। लेकिन अधर्मियों के अंदर एक खूबी होती है कि वो अंतिम सांस तक हार नहीं मानते हैं। इसीलिए जो आने वाले समय के भविष्य के अंदर जिन परिस्थितियों का निर्माण होना है उसकी रूपरेखा अब यहां बनना आरंभ हो जाएगी और अब परिवर्तन का जो समय है उस पर मोहर लग चुकी है,
यानी परिवर्तन तो होकर रहेगा और परिवर्तन सकारात्मक भी रहेगा, विश्व के लिए बेहतर रहेगा, मानवता के लिए श्रेष्ठ रहेगा। यही सब संकेत हमें इस समय पर अमेरिका के चुनाव परिणाम से भी मिल रहे हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसीलिए सनातन पर दृढ़ विश्वास रखिए, सनातन धर्म को मानने वालों की जीत है। जहां परिवर्तन की बागडोर सत्य के हाथ में है और सनातनी इस समय सत्य के मार्ग का अनुसरण कर रहा है, इसीलिए अपने बढ़ते हुए कदम, युग परिवर्तन की तरफ बढ़ते हुए कदम को और तेज गति से आगे बढ़ाइए, क्योंकि समय अब इतना शेष नहीं है कि इसे हम कई सालों तक देखते रहेंगे। मात्र चंद थोड़े से महीनों का समय रह गया है और इस परिवर्तन की बेला को पूरा संसार अपनी आंखों से देखेगा। इसीलिए ये समय भविष्यवाणियों का नहीं है, बल्कि ईश्वर जो कार्य इस धरती के लिए कर रहा है उस कार्य के परिणामों को देखकर भविष्य की रूपरेखा को तय करने का है और अपने रास्ते सनातन के मार्ग पर ले जाने का है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।